है, आपका वीजा आ गया, कितने टाइम में काम हो गया इसका आपका मिस्टर इब्राहिम? टोटल पूरा सर तकरीबन 7 महीने लग गए सर, 7 महीने, 7 महीना है ना? 7 मंथ, हाँ हाँ 7 मंथ लग गए सर पूरा, पेमेंट से लेकर वर्क सर परमिट पूरा निकाल के वीजा लगने तक, है ना? जी पूरा 7 महीने हो गए सर। तो मिस्टर इब्राहिम बताओ अपने बारे में, नेशनलिटी क्या है आपकी, किधर से हो, क्या काम करते हो अभी? वो 7 महीने का मेरा ये प्रोसेस हुआ और इसका क्रेडिट आपको जाता है और मदर साहब को जाता है, हाँ, तो दोनों ने मिलके काम किया है ना, सही है। तो मिस्टर जाता है। आपकी आपकी टीम का बहुत, अभी आपकी 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 सारी टीम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो गाइस ये है मिस्टर इब्राहिम, अभी आज ही इनका वीजा लगा है पोलैंड का। मिस्टर इब्राहिम अभी वीडियो ना थोड़ा थोड़ा ब्लर हो गया था ड्यू टू नेटवर्क, आप एक बार दोबारा बताओगे आप कहाँ से हो, अभी कहाँ काम करते हो? जी मैं, मेरी नेशनलिटी पाकिस्तान से है जी, तो हाँ जी, हाँ मैं जी, दोहा कतर में 7 साल से, दोहा कतर में 7 साल से काम कर रहा हूँ एज ए हैवी ट्रक ड्राइवर हाँ जी, हाँ जी, रेडको इंटरनेशनल को। तो ये सर आज मेरा वीजा ग्रैंड हो गया, इसमें टोटल मेरे 7 मंथ लगे हैं वर्क परमिट से लेके आज तक, अभी तक का। सबमिशन से आज तक 7 महीने हो गए। तो देखो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन मिस्टर इब्राहिम को। मिस्टर इब्राहिम आप बताओगे आपकी जो पोलैंड के वर्क परमिट निकाले थे वो कौन सी कंपनी के वर्क परमिट थे? गिरतिया सर मेरी गर्तिका कंपनी है, कंपनी है बिल्कुल, जिसमें मिस्टर गर्तिका जी, विक्रमजीत वासिफ का परमिट लगे, हम वासिफ लोगों ने जी, जो वासिफ ड्राइवर का के और परमिट विक्रम निकाले थे बिल्कुल बिल्कुल जी वासिफ जी आपको जी मालूम। वही जी जी वही सर मेरी कंपनी है गर्तिका। चलो बहुत बढ़िया। अरे आपका एज कितना है? बहुत अच्छी सर, मैं अभी 48 48 ईयर्स। देखो 48 ईयर्स में देखो जी वीजा लग गया, वो भी नेशनलिटी पाकिस्तान है ना? जी तो गाइस देख लो ये जी मिस्टर जी इब्राहिम है, और मैं आज ही सर वीजा लगा इनका। सर एक और सर एक और पॉइंट की बात है कि मैं पहले इस्लामाबाद एम्बेसी से रिफ्यूज हो चुका था, देखो ये भी भाई एक बात है, रिफ्यूज ये पॉइंट इस्लामाबाद की में, बात है आपने सर इस्लामाबाद में भी ड्रॉ सिस्टम है पाकिस्तान में, राइट? वहां पे भी जी, सेम ड्रॉ ड्रॉ सिस्टम सिस्टम है है सर जैसे कतर में। जी अभी सर देखो ये वहां पे रिफ्यूज होने के बाद ये हम लोगों के पास आए, फिर ट्रक ड्राइवर गिरतिका का परमिट निकला इनका, 7 महीने का टोटल प्रोसेस था, ड्रॉ में डाला, सेम ड्रॉ में, राइट? सेम ड्रॉ सेम सिस्टम है, ड्रा में कोई भी इसमें ऐसा नहीं तीन है, साढ़े तीन महीने के बाद सर मेरी वर्क अपॉइंटमेंट आ गई, साढ़े अपॉइंटमेंट तीन आ महीने के गई। बाद जी सर। चलो ठीक है। बाकी देखो मिस्टर भाई कैसे गाइडेंस कैसे मिली आप ये बताओ, आपको सब चीजों को लेकर सर बहुत अच्छा प्रोसेस रहा, बहुत अच्छा, कोई बहुत जनाब अच्छा। डिस्टर्बिंग नहीं हुई, आपने डॉक्यूमेंट्स मेरे बहुत अच्छे अपडेट किए सर, तो हाँ जी आपकी टीम ने बहुत तावन किया मेरे से, आपकी हाँ टीम ने जी बहुत अच्छा तावन किया, हाँ जी मैं हाँ जी मेरी तरफ से उनकी उनको भी क्रेडिट जाता है, उन्होंने भी बहुत नहीं मेहनत की है। देखो हम तो यही चाहते हैं, देखो जितने भी लोग हैं इस समय, हम चाहते हैं कि भाई क्वालिटी में काम हो, है ना, चीजें जी क्वालिटी जी में काम हो, वीजा आए लोगों को, मार्केट में क्या चल रहा है आपको मालूम है, सब कुछ मालूम जी है सर पता है, ना? अभी सब देखो स्केम पता है जी, आप पूरा कहाँ स्केम पता है कतर में मुझे बैठे हो, कहाँ कहाँ जी यूएई अबू धाबी में अपने ऑफिस में बैठे हुए, हम शायद अभी पहली जी बार जी ही बात कर रहे होंगे फेस टू फेस, राइट? फेस टू फेस जी हमारे जी साथ नहीं फर्स्ट बात टाइम है, सर, बाकी फर्स्ट सारे टाइम, फर्स्ट व्हाट्सएप टाइम चैट कॉल में ही हमने जो है जितना भी था डिस्कशन वहीं पे हम लोगों ने किया है ना। चलो जी। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो मिस्टर इब्राहिम मुझे बताओ ये आपका जो सबमिशन हुआ था, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा था, डॉक्यूमेंट क्या क्या लिए आपसे कतर में? सर मेरा सर जो मेरा जो डॉक्यूमेंट था जो डॉक्यूमेंट था आपने जो आपने लगाए लगाया ना, था, वही वही डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट सारे सारे वर्क वर्क परमिट परमिट हो हो गए, गए। उसके उसके बाद बाद तो जॉब पीसीसी का अपलेट परमिट हो हो गया, गया, पीसीसी पीसीसी हो हो गया, गया, पीसीसी तो पीसीसी तो उन्होंने उन्होंने रिटर्न रिटर्न कर कर दी, दी, रिटर्न कर दी। लेकिन लेकिन जो जो क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर आंसर हुए हुए मेरे मेरे वो वो मेरे मेरे बैंक बैंक स्टेटमेंट स्टेटमेंट पे पे हुए हुए, बैंक स्टेटमेंट में जी, जी, क्योंकि क्योंकि बैंक बैंक स्टेटमेंट स्टेटमेंट में में मेरी मेरी जो जो बेसिक बेसिक सैलरी सैलरी है है ना ना वो वो तो तो मेरी मेरी आ आ रही रही थी थी 1,500, तो तो उसमें उसमें मेरी मेरी सैलरी सैलरी ज्यादा ज्यादा शो शो हो हो रही रही थी थी क्योंकि क्योंकि प्लस प्लस मेरा मेरा ट्रिप ट्रिप सिस्टम सिस्टम ट्रिप ट्रिप अलाउंस अलाउंस था, था, तो तो फिर फिर मैडम मैडम बार 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 पूछती पूछती थी थी कि कि आपकी आपकी सैलरी सैलरी कितनी कितनी है, है, फिर फिर मैंने मैंने मैडम मैडम को को बताया बताया कि कि मेरा मेरा प्लस प्लस ट्रिप ट्रिप सिस्टम सिस्टम है, है। चलो तो बढ़िया ये बढ़िया, क्वेश्चन आंसर पूछा। सही है सही है। तो इसमें बैंक स्टेटमेंट आपने टोटल कितना शो किया था? सर सर 9,948 9,948, 9,948। चलो अच्छी बात है, बैंक जी जी स्टेटमेंट अच्छा शो किया आपने, है ना? और पीसीसी जी पीसीसी जी आपका पीसीसी निकालने का तरीका क्या है कतर में? मोबाइल एप्लीकेशन कितने टाइम में आती है? सर सर बिल्कुल बिल्कुल इजी है, इजी है, आप आप मोबाइल मोबाइल से से अपडेट अपडेट करोगे, करोगे, मद्रास 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 ऐप ऐप चलता चलता है है, मद्रास उसपे जी, उस उसपे पे आप आप सर सर आज आज रजिस्टर रजिस्टर करोगे करोगे, ट्वेंटी हाँ, ट्वेंटी फोर फोर आवर आवर में में अप्रूव्ड अप्रूव्ड आ आ जाता जाता है है रजिस्टर रजिस्टर पे, पे, फिर फिर
ठीक है, जब जब अप्रूव्ड अप्रूव पे पे जाओ जाओगे तो तो सीधा सीधा चले चले जाओ जाओ पीसीसीआई, सीडी सीडी ऑफिस, ऑफिस, सीआईडी ऑफिस। हाँ, उसमें उसमें सबको सबको प्रूफ प्रूफ दिखाना है दिखाना है और और उसी उसी वक्त वक्त पीसीसी पीसीसी मिलती मिलती है। है, वेरी वेरी इजी इजी थी थी सर, सर। वेरी वेरी इजी। इजी। और कतर की पीसीसी कितने टाइम तक वैलिड रहती है? ये सर ये 6 मंथ सिक्स के मंथ लिए। के लिए, 6 सेम कुवैत तक इंडिया जैसे, है ना? ठीक है, तो जी। मतलब आपका कहने का मतलब है ये पीसीसी तभी कराओ जब आपका अपॉइंटमेंट आ जाए, क्योंकि इजी प्रोसेस है बिल्कुल बिल्कुल इजी इजी सर, सर बिल्कुल बिल्कुल इजी। इजी है ना, बिल्कुल इजी प्रोसेस है। 24 आवर में आवर ये में ये अप्रूव्ड अप्रूव्ड हो हो जाती है जाती है और और नेक्स्ट नेक्स्ट वर्किंग वर्किंग डे डे में में आपको आपको मिल मिल जाती है। जाती है। हाँ चलो ठीक। अब जब आप अभी आज जब आप पासपोर्ट लेने गए तो मतलब कितने लोग आ रखे थे वहां पे आज? सर मैक्सिमम 10 आदमी थे, आदमी थे, हाँ, जिसमें जिसमें पांच 5 आदमी आदमी समझ समझ लो लो कलेक्ट कलेक्ट पेपर पेपर कलेक्ट कलेक्ट करने करने वाले वाले थे थे। अच्छा ठीक और है, पांच छह 5-6 आदमी आदमी पेपर पेपर जमा जमा करने करने वाले वाले, हैं। ठीक है, तो तो 5-10 मिनट5-10 मिनट में में सारे सारे फारग फारग हो गए। हो गए और सबके सबके वीजा लग गए जितने भी आ रखे थे? नहीं सर, नहीं नहीं सर, सर, रिफ्यूज रिफ्यूज हुए हुए कुछ कुछ आदमियों आदमियों के, के, लेकिन लेकिन एक एक ट्रक ट्रक ड्राइवर ड्राइवर का का रिफ्यूज रिफ्यूज हुआ, हुआ, बाकी बाकी दो दो चार चार जो जो वेयर वेयर हाउस हाउस वाले वाले थे थे उनके उनके भी भी रिफ्यूज रिफ्यूज हुए। हुए। दो दो तीन तीन को को मिल मिल चुके हैं, गए, दो तीन को मतलब लकी हो आप, तीन को तो तकरीबन मिल तीन गए, को दो तो रिफ्यूज हो तकरीबन गए। मिल गए, दो रिफ्यूज हो गए। लकी आज आपने जब देखा होगा हाथ में पासपोर्ट तो अलग ही लेवल की खुशी हो रखी है। जी 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 सर, सर, उन्होंने उसने मुझे मुझे पहले ही पहले बोल बोल दिया दिया था कि था कि आपका आपका काम काम हो हो गया। गया। अच्छा पहले बस ठीक है। देखो अभी तैयब का भी लगा, वासिफ का भी लगा, नेशनलिटी देखो आपकी पाकिस्तान है, आपका भी लग गया है ना। बस वही है ना, आपको जी अगर मैं जी क्या बोल रहा हूँ इस फील्ड में क्या होता है, अगर आपको सही बंदा मिल जाए ना सब काम इजी तरीके से हो जाता है। अभी देखो जी जो जी ये काम बात आप चल कर रही रही है है सर, सर। मैं वही बोल रहा हूँ, देखो आपका काम कितना स्मूथ तरीके से, आपको पता भी नहीं चला। कई लोग इसी चीज के लिए ना सालों से परेशान है। जी 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 हम तो आप साथ साथ के लिए के दुआ लिए दुआ करते हैं, करते अल्लाह हैं, पाक अल्लाह पाक साथ के साथ लिए के लिए आसानियां आसानियां पैदा पैदा करें। करें। बस हम तो लगे हुए काम और में, सब की सब की अल्लाह अल्लाह पाक पाक साथ की साथ की मुश्किलों मुश्किलों को को आसान आसान करके करके कामयाबियां कामयाबियां ना ना बदले। बदले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारा थॉट भी यही है, हम भी चाहते हैं भाई जो आगे जिसका भी जो भी ड्रीम है वो सब उस ड्रीम को अचीव कर ले, है ना? बेशक बेशक बेशक। बेशक। जी 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 तो ठीक है मिस्टर इब्राहिम, फिर मिलेंगे, अच्छे से ओके जाओ, थैंक यू वेरी है मच ना? सर। ओके गुड और बाय। टेक केयर, फिर जो भी जब वहां पहुंच जाओगे आपको मालूम है मजा सर मिलेंगे, और जो भी टीआरसी का जी ठीक प्रोसेस है रहेगा सर। उसमें पूरी हेल्प हो जाएगी आपकी। ठीक है, ओके सर, थैंक यू ठीक सो है। मच।